देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार को देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 42 लाख को पार कर गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 90,802 नए मामले रिपोर्ट किए गए। ये लगातार दूसरा दिन है जब संक्रमितों की संख्या 90,000 के पार पहुँची है। वहीं इस दौरान 1,016 लोगों की इस वायरस से मौत हुई है। आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 42,04,614 लोग इस वायरस की चपेट में आए हैं। भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 8,82,542 है। दूसरी तरफ 32,50,429 कोरोना के मरीज ऐसे हैं जिन्होंने इलाज के बाद इस वायरस को मात दी और अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। वहीं भारत में कोविड-19 से मरने वाले लोगों की संख्या 71,642 है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया कि 6 सितंबर तक 4,95,51,507 नमूनों की जांच की गई है। इसमें से 7,20,362 नमूनों की जांच कल की गई है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।